सिवान नगर परिषद से उपसभापति के उम्मीदवार रुखसाना खातून का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तमाम मीडिया कर्मियों को संबोधित करने जा रहे हैं। उपसभापति के पद पर चुनाव में आने का मुख्य मकसद क्या है और रुखसाना खातून जो उपसभापति के उम्मीदवार हैं उनका क्या कुछ इस बार के चुनाव को लेकर के मुद्दा है, एजेंडा है, इन्हीं सब विषयों पर बात होगी। उनके जो सहयोगी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय करा देते हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ और हमारे सिवान के जनता को मैं नमस्कार और सलाम करता पेश करता हूँ। और यही मुद्दा है कि जैसे आप लोगों ने हमसे सवाल किया कि किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए आए दिन आप लोग तो देख रहे हैं, सबसे पहले सिवान की समस्या यहाँ पे जल जमाव का है, दूसरी बात यहाँ पे कूड़ा कचरा जो है एनी टाइम सिवान स्वस्थ नहीं रह रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोग भी देखे होंगे और यहाँ की जनता भी देख रही होगी कि चौक चौराहे पे बहुत से कचरा और वहाँ पे बहुत से गंदगी फैली हुई थी, लेकिन कुछ कर्मचारी के हड़ताल की वजह से उन लोग का बेसिक मामला है। तो मेरा विचार है कि अगर सिवान की जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, सिवान को स्वस्थ बनाया जाएगा और जो ये नाला का समस्या और जल का जो ये समाधान, इसको पूरा किया जाएगा हमारे तरफ से। और दूसरी बात कि सफाई टाइम से नहीं हो पाती है, इसका बेस कारण है कि सिवान के जनता भी है और बाहर से भी जनता आती है। सिवान में जाम लगने के वजह से दिन में काम होता है, इसके वजह से कर्मचारी लोगों को काम करने में दुख सफाई नहीं हो पाता है। अगर जनता, सिवान की जनता हमें चुनती है तो इसका सिस्टम चेंज किया जाएगा, इसको रात में कराया जाएगा कि आने जाने वाले जनता को भी तकलीफ नहीं हो और कर्मचारी अपना ठीक समय पर काम करें और सफाई करें। चूंकि आपने जो अनाउंसमेंट किया है उपसभापति के लिए जी, ऐसे चूंकि पहले सामान्य सीट था तो बहुत सारे दावेदार थे जी, लेकिन उसके बाद जो आरक्षण का रोस्टर आया है उसमें आप सभी उम्मीदवार हैं जी, बिल्कुल, और उस मतलब कैटेगरी में आप शामिल हैं, तो ये जो तैयारी थी आप पहले से कर रहे थे क्या? देखिए, मैं तैयारी तो लगभग 6 महीना पहले से कर रहा था और जब देखे कि इसमें मतलब हम उतने पूंजीपति घर से नहीं आते हैं और मैं गरीब का बेटा हूं और गरीब जनता का सेवा करना चाहता हूं, तो जब ये सीट आरक्षण हो गया तो हमने पहले 6 महीने से प्रचार कर रहा था, उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया कि चुनाव लड़ा जाए और जनता का आशीर्वाद लिया जाए और जनता के हित में कुछ काम करके दिखाया जाए। इंशाल्लाह अगर आप लोगों के मीडिया भाई का सहयोग और जनता की सपोर्ट रहेगी, इंशाल्लाह मैं चुनाव जीतूंगा और यहाँ का जो मतलब करप्शन है जो भी है इस पे ये करके आदमी सही। जनता से निवेदन है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें ही वोट दिया जाए, आप लोग कैंडिडेट बहुत हैं, सबको देखें, चुने परखें, उसके बाद उसमें से विचार करें और एक बार हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि मैं मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन से पहले से जुड़ा हूँ समाज से और यहाँ का अभी फिलहाल चेयरमैन भी हूँ सिवान का। तो मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच जाके मैं और ज़्यादा काम करूँ कि जनता का हित में, मेरे लिए बहुत काम करने में हमें बहुत सुकून मिलता है। तो मदर टेरेसा जो सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है, समाज का काम करती है, कल्याण का काम करती है, उसके तहत भी आपने कुछ काम सामाजिक किए हैं, लेकिन फिलहाल अभी चल रहा है मेंबर जोड़ने का काम। तो हम लोगों ने सोचा है कि हमारे जो सीनियर है परवेज आलम, उनको बुलाया जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उनके जरिए इस पे शिक्षा और रोजगार मतलब यही सब मुद्दे पे इस पे ज़्यादा हम लोग बेसिक ध्यान देते हैं। चलिए, अब कुछ नया जो है जी, क्षेत्र शामिल हो गया है नगर परिषद सिवान में जी, जैसे वो गांव हुआ करता था, पंचायत हुआ करता था, लेकिन अब शहर की तरह उसको सजाने के लिए, विकास कराने के लिए सरकार ने नगर परिषद में उससे शामिल कर लिया है जी, बिल्कुल। तो आप जो है क्षेत्र बड़ा हो गया है, आगे क्या आप प्रयास करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ताकि हर क्षेत्र में आप घूमे, लोगों से मिले? देखिए, पहले तो ये नगर पंचायत था, तो यहाँ भी जो भी मुखिया थे, जो पंचायत क्षेत्र पंचायत स्तर पे काम हुई है
और मैं और चाहूँगा जब नगर परिषद में जुड़ गया है तो इसमें भी काम होगा, तो मैं ज़्यादा खास करके इन लोगों पे और अपना सिवानवासियों से अपील करूँगा कि मुझे एक बार मौका दिया जाए ताकि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और आके आप लोगों को सेवा करूँ, यही मेरा समाधान है। और जी, मैं यही चाहूँ, मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं जी, सिवान नगर परिषद के बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि आखिर आप कहाँ के रहने वाले हैं जी, और मकान कहाँ है, किसके घर परिवार से आप हैं, गार्जियन वगैरह का भी पूरा जिक्र कर दें जी। मेरा फादर का नाम अली अहमद अंसारी, मैं खुद शौकत अली अंसारी और मैं बिंदुसार बुजुर्ग पूर्व टोला के रहने वाला हूँ। सिवान से सटे आर किरण से नज़दीक हमारा गाँव पड़ता है जो अभी नगर परिषद में आ चुका है। कोई नंबर वगैरह भी आप जारी करेंगे ताकि अगर कोई क्षेत्र के लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस तरह का कोई आपका हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी रहेगा? जी जी, नंबर रहेगा। हाँ। तो आप अपना नंबर हमें बताएंगे जी, जी। अपने न्यूज चैनल के स्क्रीन पर दिखा देंगे जी, बिल्कुल। अगर कोई नगर परिषद से जी और आप उनके सहयोगी हैं, आप उनके कौन हैं? हम उनके पति हैं। आप उनके पति हैं जी। तो देखिए, एक जो है हेल्पलाइन नंबर बजाते ये जो है जारी करेंगे जिसमें तमाम जानकारी रहेगी। अगर कोई भी नगर परिषद सिवान का सम्मानित व्यक्ति अगर इनसे जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, अपना सुझाव या विचार रखना चाहता है तो उस पर कॉल कर सकते हैं और ये वहाँ पहुँचेंगे, उन अपनी बात भी सुनेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। तो बगल में बैठे हुए हैं, उनका भी परिचय करा दीजिए। चीज़ अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम तेगा हुसैन है जी, मैं बेंसार का रहने वाला हूँ जी, पूरा टोला बेंसार है। हाँ। जिला सिवान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तहसीलदार आइए। तो आप देख रहे हैं कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिवान नगर परिषद से उप सभापति के उम्मीदवार रुखसाना खातून, उनके पति और तमाम जो है यहाँ इनके समर्थकों शुभचिंतकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भी बातों को रखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंजीनियर साहब भी पहुँचे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे इंजीनियर साहब जी। मेरा नाम अलीमा अहमद है, मैं बिंदुसार का निवासी हूँ और ये मेरे भाई हैं शौकत अली। हाँ। जो सामाजिक सेवा में से जुड़े हुए हैं आज से लगभग 6-7 महीने पहले से हैं और काफ़ी योगदान रहा है इनके प्रति, ठीक। और हम लोग चाहते हैं, हमारे गांव का पूरा समर्थन है कि ये यहाँ से वाइस चेयरमैन के लिए, सिवान के लिए लड़ें, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जो समाज के क्रीम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, प्रोफेसर हुए, समाज में अच्छा सोच रखने वाले लोग हैं, ये सारे लोग इनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि ऐसे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं? शौकत भाई बहुत ही मतलब कि अच्छे आदमी है और प्लस इनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है और इनके दिल में मतलब जज्बा है कि समाज सेवा करें, लोगों की मदद करें, जो गरीबों का हक है उनको हक के उनके पास पहुंचाएं। ये इनके गुण मैं देखा हूं, बखूबी मेरे साथ हैं और मैं अच्छी तरह से इनको जानता हूं और गाँव के वासी सबको ही जानते हैं इनको। और ये इनके प्रति सारे आदमी इकट्ठा हुआ और मीटिंग हुआ, हम लोगों में तय किया गया कि इनको उप सभापति के लिए निर्वाचित किया जाए, चुना जाए। देखिए, एक बगल में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और ये भी आशीर्वाद देने के लिए कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, उप सभापति के उम्मीदवार जो सिवान नगर परिषद से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, रुखसाना खातून। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि इनका स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है और जोरदार इस्तकबाल करते हुए इनको आशीर्वाद दिया जा रहा है और सिवान नगर परिषद को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाने के लिए यहाँ पर बातें हो रही है। कुछ बोलेंगे नहीं शौकत बाबू के बारे में, जब मैं डॉक्टर विद्यानंद इनको बचपन से जानता हूँ, ना आज तक किसी से झगड़ा लगा कुछ नहीं। हाँ, इतना मैं जानता हूँ इनके पास धन बल नहीं है, लेकिन हमारे नगर सभापति के लिए बहुत ही उत्तम विचारधारा के ये प्रत्याशी हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग धन बल से भी सपोर्ट करेंगे और जाजा के घर घर इनके लिए एक एक वोट भी मांगेंगे। तो देखिए, ये डॉक्टर साहब ने कहा कि ये धन बल वाले प्रत्याशी नहीं, नहीं है, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं और इनके व्यवहार चरित्र और इनके संस्कार को देख करके हम लोग इनको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।